बहराइच जिले के मिहींपुरवा नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित बलहा विधायक कार्यालय पर बलहा विधायक सरोज सोनकर, विधायक प्रतिनिधि आलोक जिंदल ने भाजपा के 9 वर्ष पूरे होने पर पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलहा विधायक सरोज सोनकर ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस सरकार के वो दिन कोई भूला नहीं है जब केंद्र की सरकार 1 रुपये दिल्ली से भेजती थी, 15 पैसे पहुंचते थे और आज वही पैसा मोदी सरकार में यदि 100 रुपये दिल्ली से चलता है तो 100 रुपये गरीब किसानों के खाते में पहुंचता है। किसानों को फसल बीमा, सम्मान निधि, आवास, शौचालय, उज्ज्वला गैस समेत कई जनकल्याणकारी एवं महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आज देश की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो चुकी है जिससे भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर है। मजदूरों के लिए जो योजना चलाई गई, रजिस्ट्रेशन करा के उनको भी वो सारी सुविधा उपलब्ध कराई गई और बच्चों को फ्री शिक्षा, लड़कियों का हॉस्पिटल में ही उनको, उनके लिए सरकार ने 6,000 रुपया, अगर लड़की बालिका होने पर 6,000 रुपया, साथ साथ में उनके लिए FD 50,000 की FD। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।